हाय एवरीवन, यहाँ पे बजट जो है बहुत ही नज़दीक है, तो बजट से पहले देखते हैं आने वाले हफ्तों में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स फिलहाल के लिए सर्टेन लेवल्स क्रॉस करता है तो बढ़ सकता है, राइट। और वही एक सेक्टर है जो शायद निफ्टी को, या हम कह सकते हैं बुल्स को, बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कर दिया है अभी, निफ्टी बैंक मैंने तो किया ही है, आप भी कर दीजिएगा अगर रोज देख रहे हैं तो वीडियो और पसंद आ रहे हो तो। बैंक निफ्टी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है मैंने ड्रॉ किया है, और फिर ऐसे वो भाग रही थी मानो लाइफ टाइम हाई तोड़ दे, पर कभी भी ऐसी मूवमेंट जब भी आती है तो वेट करना है फॉर रिएक्शन। ओके, आई शो यू गाइज विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। नाउ ये वीकली चार्ट है तो देखना है कि किसका हाई ज़्यादा है, एक्शन का हाई या रिएक्शन का। यहाँ पे रिएक्शन का हाई ज़्यादा है यानी ब्रेड कैंडल का, सो इट इज़ 3885.55, पर मैंने यहाँ पे राउंड फिगर में लिखा है 3885.6। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ऊपर जा सकता है, तो उसका कंफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं क्रॉस होता है तो आपको पता ही है क्या हो सकता है, और ये लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉप लॉस रहेगा रिएक्शन का लो 37224.25। आफ्टर दैट वी कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस वीकली कैंडल, और दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फ्रेंड, सो ट्रेड करने के नहीं है, प्रिपर ट्रेडिंग आप कर सकते। अभी बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स देख लेते हैं। जो बाहुबली है ICICI बैंक, उसने तो ब्रेक कर ही चुका था यहाँ पे ट्रेंड लाइन, बट आफ्टर वन मोर ग्रीन कैंडल इट टुक द रिएक्शन। सो यहाँ पे भी ग्रीन से रेड का है ज़्यादा है, सो 836 के ऊपर ICICI में पावर है कि वो लाइफ टाइम हाई बना सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी क्या बचाती है निफ्टी को, या ICICI बैंक बचाती है निफ्टी को, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर बात आती है फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक भी एक ऐसा स्टॉक्स है, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर ये तीन ग्रीन कैंडल के साथ कंपेयर करें तो वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम वे, बट थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। एक्शन का जो हाई है वो बड़ा है 101.90, स्टॉप लॉस में कोई कन्फ्यूजन नहीं, दैट विल ऑलवेज बी द लो ऑफ रिएक्शन कैंडल। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, ये एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस ये लो आएगा 93.10। यहाँ पे भी जो डाउन ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस इज सो कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि उसका शेयर का प्राइस जो है वो स्मॉल नहीं है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे वी गॉट द ब्रेकआउट एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द रिएक्शन। सो यहाँ पे 1319.70 के ऊपर अप मूव आ सकती है। कोटक बैंक देखते हैं, कोटक बैंक में भी डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो सभी स्टॉक्स में सिमिलर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। पर जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो टूटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ग्रीन का हाई है 1976.15, स्टॉप लॉस खूब ढूंढेगा। बंधन बैंक हो सकता है, देयर विल बी नो बंधन टू गो अप आफ्टर क्रॉसिंग 308.75। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी उसने किया है, राइट। फिर हम देखते हैं SBI। SBI में भी यहाँ पे देख सकते हैं इट हैज ब्रोकन द डाउन ट्रेंड लाइन एंड आफ्टर दैट इट हैज टेकन द रिएक्शन। तो यहाँ पे भी 519.15 के ऊपर अप मूव आ सकती है। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, जिसे हम कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और रिएक्शन है, तो यहाँ पर 97.50 ब्रेक होते ही ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आज इतना ही, तो आने वाले हफ्तों में ये आपके लिए सब बैंकिंग स्टॉक्स है, ये लेवल जो बताया है वो क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, और बैंक निफ्टी कैन ओनली सेव द मार्केट। राइट फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।